नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राजेश। आप देख रहे हैं RDH सर यूट्यूब चैनल। आप सबका चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आपको पता ही होगा, कल 17 जुलाई 2021 से द बिग पिक्चर जो कलर्स टीवी पर शो के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुके हैं। 17 जुलाई 2021 को कलर्स टीवी पर पहला सवाल पूछा गया था द बिग पिक्चर्स के रजिस्ट्रेशन के लिए रात 9:30 बजे, जिसका उत्तर आप अगले दिन अर्थात आज 18 जुलाई को रात के 9:29:29 तक दे सकते हैं। मैंने उस प्रश्न का उत्तर पर वीडियो नहीं बनाया हूँ, आगे जो 9 प्रश्न आएंगे उनको बताऊंगा ही, और इस प्रश्न में मतलब आज की वीडियो में मैं जो है उसी प्रश्न को कवर करूंगा। हालांकि हो सकता है कि वीडियो जब तक आप अभी जब देख रहे होंगे तब तक शायद वीडियो मतलब उत्तर देने की समय सीमा कुछ समय ही बची हो, या फिर ये भी हो सकता है कि समय सीमा खत्म हो चुकी हो, समाप्त हो चुकी हो। पर दोस्तों उस प्रश्न का उत्तर देना मेरा इस वीडियो के पीछे मकसद नहीं है। मेरा मकसद है कि रजिस्ट्रेशन किस तरीके से करते हैं वो बताना, क्योंकि आप अगर वो चीज़ पता रहेगी और अगर आपने रजिस्ट्रेशन अब तक नहीं किए होंगे तो प्रश्न क्रमांक 2 से बचे हुए जो प्रश्न क्रमांक 10 है अर्थात बचे हुए 9 प्रश्नों के भी उत्तर आप दे पाएंगे। और अगर आपको आज के प्रश्न का उत्तर अगर आपने नहीं दिया है और इस वीडियो को देखकर अगर आपको मौका मिल जाता है सपोज, तो वो तो अच्छी ही बात है। खैर, तो जो वुट एप्लीकेशन के माध्यम से आपको रजिस्ट्रेशन करना है द बिग पिक्चर के लिए उत्तर अगर देना है तो तीन तरीके हैं कुल। एक तो वुट का एप्लीकेशन से भी अगर आप रजिस्ट्रेशन करते हैं तो चलेगा, या फिर वुट की वेबसाइट जो है उससे भी रजिस्ट्रेशन करते हैं तो भी चलेगा, या फिर आप MyJio जो एप्लीकेशन है MyJio एप्लीकेशन से भी आप रजिस्टर कर सकते हैं। वुट से रजिस्ट्रेशन अगर करना है तो आप woot.com जो कोई भी गूगल क्रोम वगैरह जैसे ब्राउजर में सर्च करके वहां से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, या फिर आप प्ले स्टोर पर वुट का जो एप्लीकेशन है जो आपको मेरे ये ड्रॉवर में दिख रहा होगा, ऐप ड्रॉवर में तो तीसरे नंबर पर जो दिख रहा है आपको, तो वो वाले वुट जो एप्लीकेशन है उस वुट ऐप से भी आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। आपको सबसे पहले करना क्या है, ये एप्लीकेशन को ओपन करना है। मैं इसको ओपन कर रहा हूँ, ये एप्लीकेशन ओपन हो गया वुट। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, अगर एक से ज़्यादा ऑप्शन अगर आपको दिख जाते हैं सपोज, तो इतना ध्यान रखिएगा कि आपको जो है Viacom 18 वालों का जो एप्लीकेशन है उस वुट से करना है। लोगों तो आपको दिख गया ही होगा। तो ये कुल चीज़ें हैं दोस्तों आपको अब करना क्या है, मैं यहाँ पे स्किप करूँगा, ये सब मुझे नहीं करना है। आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करने के लिए पूरी प्रोसेस बता रहे कि किस तरीके से क्या क्या करना है करके। आपको यहाँ पे सबसे पहले एप्लीकेशन पर अपना अकाउंट क्रिएट करना होगा, अगर आप करना चाहें तो यहाँ पे आपको अपना अकाउंट क्रिएट करना है। अकाउंट क्रिएट मतलब वुट ऐप पर आपको नॉनस्टॉप एंटरटेनमेंट के लिए, अगर आप पहली बार वुट ऐप या वुट वेबसाइट पर अगर आपका अकाउंट ऑलरेडी है मतलब, तो आप वो उससे भी चला सकते हो। अगर आपका अकाउंट नहीं है, पहली बार वुट ऐप या वुट वेबसाइट खोल रहे हो, तो आपको आपका मोबाइल नंबर के जरिए या फिर फेसबुक आईडी या गूगल आईडी या फिर ईमेल आईडी या फिर एप्पल अगर आपका फोन है तो एप्पल की आईडी जो है उसके माध्यम से आपको अपना अकाउंट मतलब यहाँ पे लॉगिन करना है। मैं गूगल आईडी से लॉगिन कर लेता हूँ। जब आप अपने गूगल आईडी या जो भी आपका मतलब मोबाइल नंबर बोलो या आईडी बोलो एक बार एंटर कर लेते हैं, उसके बाद आपको अपनी जो प्रोफाइल है वो क्रिएट करनी होती है। प्रोफाइल क्रिएट करने के लिए आपका नाम आ जाता है ऑटोमेटिकली, जो भी आपके ईमेल आईडी या आपने जो भी अकाउंट सिलेक्ट किया हो उससे। अगर आप मोबाइल से अगर मोबाइल नंबर एंटर करके अगर कर रहे हैं तो आपको नाम लिखने के लिए पूछेगा। उसके बाद आपको यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट करनी है, फिर जेंडर सिलेक्ट करना है और आगे बढ़ना है। आगे बढ़ने का मतलब है कि आपको लैंग्वेज सिलेक्ट करनी है, और लैंग्वेज में आप एक से ज़्यादा लैंग्वेज भी सिलेक्ट कर सकते हो। यहाँ जो लैंग्वेज जो है जो प्रेफरेंस बोल रहा है ये है आप जो शो देखते हैं यानी कि वुट ऐप पर आप जो शो देखेंगे उसके प्रेफरेंस का लैंग्वेज बोल रहा है, मतलब कि आप किस भाषाओं के शो देखना चाहेंगे तो वो उनको चयन करना है और फिर टर्म्स एग्री करके सबमिट कर देना है, तो आपकी वुट ऐप पर प्रोफाइल बन जाएगी। दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे जहाँ पिक्चर का साइन था वहाँ पे अब आर दिख रहा है, मतलब मेरे नाम का पहला लेटर दिख रहा है, मेरी पिक्चर नहीं रखा हो करके हो सकता है, पिक्चर रखने का ऑप्शन था या नहीं मुझे पता नहीं है। अब अपन जिस काम के लिए इस ऐप को ओपन किए हैं वो है द बिग पिक्चर का रजिस्ट्रेशन। तो आपको द बिग पिक्चर का ये बैनर दिख रहा होगा, इस बैनर पर क्लिक कर देना है। मैं इस बैनर पर क्लिक कर रहा हूँ, पहला ही सवाल था तो यहाँ पर सब कुछ आ गया, ये लोड हो रहा है। अभी आप देख सकते हैं ये जो है ये बायजूज के द्वारा स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम है, नाम है द बिग पिक्चर, और कलर्स जो Viacom 18 का चैनल है उनका ग्रुप आपको लोगो दिख रहा है, और ये बोल रहा है आंसर द क्वेश्चन करेक्टली एंड स्टैंड अ चांस टू पार्टिसिपेट इन द शो। तो शो में भाग लेने के लिए सही उत्तर दीजिए करके बोल रहा है, और प्ले नाउ की बटन है, प्ले नाउ की बटन पर हम क्लिक करेंगे
दोस्तों जब हम प्ले नाउ की बटन पे क्लिक कर लेते हैं तो हमको हमारी जो डिटेल्स है वो डिटेल्स मांगी जाती है। डिटेल्स में मैंने नाम जो है वो नाम एंटर किया, वो नाम आ गया। यहाँ पे फ़ोन नंबर एंटर करना है, उसके बाद ईमेल आईडी से मैंने लॉगिन किया हो तो मेरी ईमेल आईडी यहाँ पे दिखाई दी गई। उसके बाद में ये जेंडर आ गया है, और मतलब जेंडर सिलेक्ट करना है, रीजन यानी क्षेत्र या प्रदेश सिलेक्ट करना है, अपना स्टेट वगैरह। डेट ऑफ बर्थ आ गई मेरी, पहले ही भरा था वो उसके वजह से। उसके बाद एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और ऑक्यूपेशन जो है उसको सिलेक्ट करके टर्म्स एंड कंडीशंस को चेकबॉक्स करके अपनी डिटेल जो है वो सबमिट कर देना है। अभी मैं मेरा रीजन चुनूंगा जो कि है रेस्ट ऑफ महाराष्ट्र। उसके बाद एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मेरा है ग्रेजुएट। उसके बाद ऑक्यूपेशन में मैं यहाँ पे सीधा अदर सिलेक्ट कर लेता हूँ, और फिर ये सिलेक्ट चेकबॉक्स करके सीधा सबमिट बटन पे क्लिक कर देना है। दोस्तों अभी आपको एक सीधा पिक्चर दिख रही होंगी, जो कि पिक्चर है अदर पूनावाला जी की, और पिक्चर के नीचे क्वेश्चन है उस पिक्चर से संबंधित। तो आपको बस इसी तरीके से मतलब रजिस्ट्रेशन के लिए सवाल आएंगे, एक पिक्चर आएगा, पिक्चर पर बेस्ड एक सवाल आएगा, चार ऑप्शन रहेंगे, सही उत्तर को सिलेक्ट करके उत्तर देना है। और इतना ही नहीं, अगर आप जो शो शुरू होगा तो वो भी बस इसी तरीके से, अर्थात इमेज बेस्ड ये क्विज शो है। तो क्वेश्चन क्या है देखिए, ये पहली बात तो पिक्चर किसकी दिख रही है आपको, तो पिक्चर दिख रही है हमको अदर पूनावाला जी की। तो अदर पूनावाला जी की ये पिक्चर है, और ये बोल रहा है कि विच ऑफ दिज कंपनीज इज लेड बाय द पर्सन सीन इन द पिक्चर। तस्वीर में दिख रहे यह व्यक्ति इनमें से किस कंपनी का नेतृत्व करते हैं। ऑप्शन जो है वो है, पहला ऑप्शन भारत बायोटेक, दूसरा ऑप्शन सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, तीसरा ऑप्शन है बायोकॉन, और चौथा ऑप्शन है सिप्ला। तो दोस्तों आपने इनको देखा होगा टीवी वगैरह पर, बहुत ही चर्चित व्यक्ति है फिलहाल तो, क्योंकि आपको पता है कि मैं केबीसी में भी जो उत्तर देता था तो मैं प्रश्न का सिर्फ उत्तर नहीं देता था बल्कि अतिरिक्त कुछ नॉलेज देता था। तो अतिरिक्त नॉलेज के रूप में अगर मैं बताना चाहूँ, भारत बायोटेक, तो एक्चुअली भारत बायोटेक जो है उन्होंने कोवैक्सीन, जो भारतीय पहली भारतीय वैक्सीन है यानी भारतीय बनावटी की जो वैक्सीन है कोविड 19 पर काम करने वाली, तो वो है कोवैक्सीन, तो वो बनाने वाली कंपनी है भारत बायोटेक। परंतु ये जो अदर पूनावाला जी है ये सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के मतलब सीईओ है, और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया या जिसको शॉर्टकट में SII बोलते हैं, इनका जो हेडक्वार्टर है वो हेडक्वार्टर है पुणे में, और इन्होंने कोविशील्ड बनाई है ऑक्सफर्ड जो है एस्ट्राजेनेका ऑक्सफोर्ड की जो वैक्सीन है उन्हीं के साथ मिलकर इन्होंने कोविशील्ड बनाई है, और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया या फिर SII इस प्रश्न का सही उत्तर है। तो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया को मैंने सिलेक्ट किया और सबमिट कर दूंगा। सबमिट करने के बाद में यहाँ पे देखेंगे आप, आगे यहाँ नीचे लिखा है थैंक यू फॉर पार्टिसिपेटिंग, इफ शॉर्टलिस्टेड फॉर द नेक्स्ट राउंड द बिग पिक्चर टीम विल कॉन्टेक्ट यू। द बिग पिक्चर रजिस्ट्रेशन 17th July to 27th July 2021, अर्थात पार्टिसिपेट करने के लिए धन्यवाद कहा गया है। और इस मतलब यहाँ पे जरूरी नहीं है कि 10 के 10 प्रश्नों के आप उत्तर दो, क्योंकि मैंने जैसे कि कहा कि हो सकता है ये वीडियो आपको लेट पहुँचे, तो ऐसा जब हो अगर भी होता है तो भी दिक्कत नहीं है। इसलिए दिक्कत नहीं है क्योंकि आप 10 में से एक प्रश्न का अगर किसी ने उत्तर दिया है तो उसका भी नंबर लग सकता है उस आगे के राउंड के लिए। तो स्पष्ट तरीके से वही बताया गया है, हालांकि अगर पहले प्रश्न के उत्तर के लिए नहीं लगा तो अगले का होना चाहिए करके मैं भी सभी के सभी उत्तर देने यानी दो करके रिकमेंड करूंगा आपको। हालांकि मैं खुद ये जो द बिग पिक्चर जो शो है इसमें ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं था मैं, दरअसल इमेज बेस्ड क्वेश्चन मतलब शो का नाम देखकर वो सब मुझे ऐसा लगा था कि जीके बेस्ड नहीं बल्कि इमेज बेस्ड यानी पूरी एंटरटेनमेंट पर ही आधारित होंगी। पर अब मुझे लग रहा है कि ये भी जीके बेस्ड ही है केबीसी की तरह, तो फिर मुझे लगता है कि शायद मैंने भी इसको देखना चाहिए, अभी मैंने इंटरेस्ट रखना चाहिए, और फिर अगर अभी संभव हुआ तो मैं डेली जो आगे भी जो है अपडेट्स जो है इस शो के बारे में और आगे जो भी प्रोसेस रहेगी वो मैं जरूर बताना मतलब प्रयास करूंगा। फिलहाल तो कोई प्रॉमिस नहीं करता, अब तक तो मैं वीडियो ही नहीं बनाऊंगा, सोच रहा था अगर पहले डिसाइडेड रहता मेरा तो शायद कल ही मेरी वीडियो आ जाती, परंतु जानबूझकर मैंने ये वीडियो लेट किया हो, क्योंकि पहले बात तो मैं वीडियो ही नहीं बनाऊंगा सोच रहा था, फिर बाद में सोचा क्योंकि काफ़ी सारे दर्शकों ने भी मुझे रिक्वेस्ट किए कि सर द बिग पिक्चर पर भी वीडियो बनाइए करके मैंने ये वीडियो बना रहा हूँ। तो दोस्तों इस तरीके से आपको रजिस्ट्रेशन करना है। पहला सवाल जैसा कि आप जानते हैं 17 जुलाई से पूछा गया है 9:30 बजे, और दोस्तों इसका उत्तर आपको प्रश्न पूछा जाए जिस दिन जाता है उसके अगले दिन के 9:29 तक देना होता है।
तो आज का ये जो प्रश्न कल का है, पहला प्रश्न, इसका उत्तर आपको आज 18 जुलाई 2021 को रात के 9:29:29 तक देना है। और अंतिम कुल ऐसे 10 प्रश्न पूछे जाने वाले हैं रजिस्ट्रेशन के लिए। अंतिम प्रश्न 26 तारीख को पूछा जाएगा 9:30 बजे, और उसका जो डेडलाइन है, उसकी जो लाइन है, वो 27 जुलाई को खत्म होगी रात के 9:29:29 पे। तो ये बताया गया है जानकारी यहाँ पे। और आगे की जो प्रोसेस है, ये लगभग केबीसी की जिस तरीके से प्रोसेस थी रजिस्ट्रेशन की, जो लेवल्स थे, उसी तरीके का पूरा प्रोसेस है। अर्थात उस प्रोसेस पर भी, अर्थात टर्म्स एंड कंडीशंस पर भी, जो है द बिग पिक्चर्स के, मैं एक स्वतंत्र वीडियो जरूर बनाऊंगा। वो आपको जल्दी मिल जाएंगी, 1-2 दिन में वो मिल जाएगी। और दोस्तों, बस आपको इस तरीके से उत्तर देने हैं। एक आप वूट ऐप के माध्यम से उत्तर दे सकते हैं, आप वूट की वेबसाइट से भी दे सकते हैं। सही तरीके से इंटरफेस दिखता नहीं है वेबसाइट पर, तो मुझे लगता है कि ये एप्लीकेशन से आप करें तो ज़्यादा बेहतर है। और अगर आप मान लीजिए वूट ऐप से भी नहीं करना चाहते, तो आप जियो एप्लीकेशन से भी उत्तर दे सकते हैं। जियो एप्लीकेशन से उत्तर देने की प्रोसेस मैं एकदम इसके बाद जरूर बताऊंगा, सेकेंड क्वेश्चन वगैरह में, या कुछ जियो से किस तरीके से करते हैं तो वो भी बता, मतलब उस पर भी मैं सेकेंड क्वेश्चन वगैरह आएंगा, तो एक बार उस एप्लीकेशन से रजिस्टर करके वगैरह आपको दिखा दूंगा कि जियो ऐप से किस तरीके से आपको उत्तर देना है। हालांकि आप वूट की वेबसाइट से कीजिए, वूट के एप्लीकेशन से कीजिए, या फिर माई जियो एप्लीकेशन से कीजिए, आप किसी भी मोड का यूज करके आप उत्तर कर दें, आपका पहला एक मोबाइल नंबर से दिया हुआ पहला उत्तर ही एक्सेप्ट किया जाएगा, वैलिड माना जाएगा। तो करके आपको तीनों में से किसी भी एक मोड का उत्तर देके, मतलब यूज करके आपको उत्तर देना है। और ऐसा भी नहीं है कि मैंने पहले क्वेश्चन का उत्तर वूट ऐप से दिया तो दूसरे का भी इसी से दूं, दूसरे का मैं दूसरे ऐप से दूंगा तो भी चलता है, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर आप चाहें तो एक, मतलब तीनों तरीके से, पर तीन अलग अलग नंबर यूज करके भी दे सकते हैं, तो वो अलग बात है। उसमें आपके तीन रजिस्ट्रेशन माने जाएंगे, पर एक नंबर से पहली वैलिड एंट्री ही एक्सेप्ट की जाएगी। टर्म्स एंड कंडीशंस में ये चीज़ आई है। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो इसी प्रोसेस को फॉलो करते हुए आप जो है आगे के उत्तर भी लॉक कर सकते हैं। हाँ, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, क्योंकि आगे के प्रश्नों में मुझे फिर से रजिस्ट्रेशन नहीं करना होगा, तो रजिस्ट्रेशन आपको इसी तरीके से करना है। प्रश्न चेंज हो जाएगा, तो प्रश्न का उत्तर जब, तो मैं मतलब आज ही दे दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे ही प्रश्न आ जाएगा वैसे ही उसका उत्तर भी मैं अभी अपने चैनल पर दे दूंगा। तो दोस्तों, थैंक यू सो मच पूरी वीडियो देखने के लिए। मुझे उम्मीद है आपको वीडियो और प्रोसेस पसंद आई होगी। अगर ये पसंद आई है तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, साथों साथ अगर आपके अभी भी कोई सवाल सुझाव है तो कमेंट कर दीजिए। क्या मैंने केबीसी किंग के तरह या और कौन हुनर करोड़पति की तरह द बिग पिक्चर को भी फॉलो करना चाहिए, क्या आप चाहते हैं? अगर चाहते हैं तो वो बता दीजिएगा, और वीडियो को शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ ही बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिएगा। धन्यवाद।